The question is, prove that for any three vectors a, b, c, scalar triple product of a plus b, b plus c, c plus a is equals to 2 times of a, b and c. Triple product, scalar triple product of a, b, c. देखो ए बी सी कोई भी तीन वेक्टर गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि इन वेक्टर्स का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो 2 times ऑफ ए बी सी के इक्वल आने वाला है. सो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. पहला वेक्टर हमारे पास ए प्लस बी है, दूसरा वेक्टर हमारे पास बी प्लस सी है और तीसरा वेक्टर हमारे पास सी प्लस ए है. अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें ये पता है कि ए बी सी इनमें क्या रिलेशन होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, राइट. इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट इनटू ए के साथ डॉट प्रोडक्ट. तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं. ये फर्स्ट वेक्टर है ए, ये सेकंड वेक्टर बी हो गया, ये थर्ड वेक्टर सी हो गया. तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं. तो फर्स्ट वेक्टर आपका ये ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट विद बी प्लस सी क्रॉस प्रोडक्ट सी प्लस ए, राइट. तो पहले हम अंदर क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ क्या आएगा, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a, राइट. अब हमें ये भी पता है अगर दो सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट तो वो जीरो होता है, राइट. तो यहाँ पर इसकी वैल्यू तो हमारे पास जीरो हो जाएगी. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, ए प्लस बी है डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए. रीज़न इसमें हम दे देंगे कि सी क्रॉस सी जीरो के इक्वल होगा. अब हमें क्या करना है कि जो ए प्लस बी है इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है हमें इन थ्री वैक्टर्स के साथ. तो पहले ए की तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, देन बी की तीनों के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे. तो पहले ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस अब बी के साथ करेंगे बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए. अब देखो हमें ये पता है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई दो वेक्टर सेम होते हैं, मींस ए डॉट ए क्रॉस बी, कोई भी दो वेक्टर आपके पास सेम आ जाए, ये दोनों सेम हो, बी और सी में से कोई सेम हो या फिर फर्स्ट और थर्ड में से कोई सेम हो जाए, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है. तो यहाँ पर पहले हमें यही देखना है कहीं वेक्टर सेम है या नहीं है. जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि ए वेक्टर रिपीट हुआ है, ए वेक्टर यहाँ पर, यहाँ बी सेम है, यहाँ भी बी सेम है, तो इन चारों की वैल्यूज जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी. हमारे पास बचेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो, और लास्ट में है बी डॉट सी क्रॉस ए, राइट. सो रीज़न बिहाइंड दैट, वी नो दैट ए क्रॉस ए, मतलब आप सिर्फ इतने के लिए लिख सकते हो कि ए ए बी हमारे पास ज़ीरो होता है. तो इट मीन्स इससे हम लिख सकते हैं ए बी एंड सी, और लास्ट जो है वो हमारे पास है बी सी एंड ए. अब देखो अगर हम इनमें से, मुझे ए बी सी और यहाँ पर भी ए बी सी ही चाहिए, अगर हम इन वेक्टर्स में से किसी दो को इंटरचेंज करते हैं तो यहाँ पर साइन जो है वो नेगेटिव आ जाता है. तो मुझे ए बी सी बनाने के लिए यहाँ पर इसे इंटरचेंज करना होगा. तो यहाँ पहले हमने ए और बी को रिप्लेस कर लिया, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ए सी एज इट इज़ है और बी एज इट इज़, तो बी यहाँ आ गया, ठीक है. मैंने ए और बी को रिप्लेस किया तो ये नेगेटिव हो गया, बट मुझे ए बी सी चाहिए तो मुझे बी और सी को दोबारा रिप्लेस करना होगा, तो एक नेगेटिव साइन और बाहर आएगा जिससे कि यहाँ प्लस हो जाए. इट मीन्स ए बी सी, तो यहाँ आपके पास अब प्लस हो जाएगा. अब बी और सी को इंटरचेंज कर दिया तो ये अगेन ए बी सी बन गया, तो ये 2 times ए बी सी आ गया हमारे पास. तो इस टाइप से हमें इस सम को सॉल्व करना है. थैंक यू.